हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 के न्यू व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए दिखाते हैं सबसे पहले आपको अपना बाथरूम। लाइट ऑन कर दिया उसे। तो ये देखिए, मैं कैमरा आपको बैक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले ये सिर्फ टाइल्स लगा हुआ था यहाँ पे पूरे में, और अभी मैंने इसमें क्या करवाया है, जो आप सामने भी मिरर देख रहे हो ना ग्लास का, तो ये लगवाया है। तो फिलहाल अभी ये यूं ही लगा हुआ है, काम चल रहा है, इसलिए काफी गंदा भी है। और एक इस साइड आप देख सकते हो, ऊपर की साइड लगवाया है। और इस पे मुझे अभी मतलब कुछ डेकोरेशन करना है, बट अभी मैंने कुछ नहीं किया है इसलिए, क्योंकि अभी काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद देखिए, ये ऊपर वाला एक जो टाइल्स के ऊपर का हिस्सा था ना, ये तो ये एकदम प्लेन वाइट था, यहाँ पे कुछ भी नहीं कराया था। अंदर से दिखाया आपको, ये देखिए इस तरह से। तो इसमें यहाँ पे मैं चॉकलेटी कलर का पेंट मैंने मंगवाया था, तो चॉकलेटी कलर का पेंट यहाँ पे करवा रही हूँ। और अभी आप देख सकते हो ऊपर बहुत अनकम्प्लीट लग रहा है, सब वायर निकले हुए हैं, इसलिए निकले हैं क्योंकि अभी यहाँ पे ना पेंट अभी एक कोट हुआ है और एक और होना है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यूं ही छोटे छोटे से काम चल रहे हैं घर में। तो इस तरह से बाथरूम का भी काम चल रहा है। और अभी मैंने सर में ना तेल डाला हुआ है, इसलिए बहुत फेस अलग लग रहा होगा। और सबसे पहले तो आप मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि इधर मेरा जो ब्लॉग्स है कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, और मतलब काफी दिन हो जा रहे हैं और मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, एक भी वीडियोज नहीं डाल पा रही हूँ अपनी चैनल पे। आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। विराट भी आ गए हैं। और फ्रेंड्स हाँ, मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, कुछ सामान आने वाला है जो मतलब कि अभी इस टाइम पे नहीं भी आता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मैं चाहती भी नहीं थी कि इस टाइम पे आए, लेकिन वो जानते हैं करीब 3-4 महीना पहले का ऑर्डर किया हुआ है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रहा था, बट आज फ़ोन आया है कि आज वो आ जाएगा। तो मन तो नहीं था बिल्कुल कि आज रिसीव करूं, लेकिन अब आ रहा है तो रिसीव तो करना ही होगा उसको। और तो अभी कुछ ही देर में आ जाएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या चीज़ है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेरे घर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसकी हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, इसलिए ऑर्डर किया गया था। बट सब भगवान की मर्जी है कि ऑर्डर किया था 4-5 महीने पहले कम से कम, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि 3 महीना हुआ कि 4-5 महीना हुआ, वैसे मेरे साथ 4-5 महीना हो चुका है। सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कुछ मतलब समय आ जाएगा, लेकिन अब भगवान की मर्जी का किसी की चलती नहीं है, तो वो आज आएगा, तो मैं उसको रिसीव करूंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ है। तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे से लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, जिसका जवाब मैं आपको दे सकूँ। तो कंटिन्यू देखिएगा पूरे ब्लॉग को। और यहाँ पे देखिए परी बैठी बैठी क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे परी का आया है इनविटेशन उनकी फ्रेंड की तरफ से, और परी डिस्टर्ब हो गई है कि अब मैं क्या करूँ, कि मतलब पढ़ाई का समय भी चल रहा है इनका और इनके एग्जाम है ना, यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं बिट्टू के, और वो पढ़ाई में लगी थी, लेकिन अभी मतलब मैसेज आया था बिट्टू की फ्रेंड का 2 दिन पहले, बट मैंने फोन ही ऑन नहीं किया 2 दिन से, बल्कि 2 या 3 दिन से मेरा फोन ऑन नहीं हो रहा है पुराना वाला। तो बिट्टू के फ्रेंड्स के पास उसी फोन का नंबर है, तो अभी मैंने ऑन किया कि लाओ देखते हैं कि शायद किसी का मैसेज या कुछ भी मेल वगैरह हो, तो चेक किया तो उसमें दिखा मैसेज आया 2-3 दिन पहले का है, तो वही बिट्टू की फ्रेंड का है, तो वही बिट्टू चेक कर रही है, अब कंफ्यूज है कि फोन करूँ क्या करूँ, जाऊं ना जाऊं, कैसे क्या करूँ, क्यों बिट्टू यही बात है ना। और हम तो बोल रहे हैं बिट्टू से कि जाओ आप अपना एंजॉय करो, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी पार्टी वगैरह में, लेकिन बिट्टू का मन है कि अभी ना वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, और देखिए शाम तक डिसाइड हो ही जाएगा, नहीं तो कल तक तो हो ही जाएगा। बिट्टू हमारी कोई भी डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाती है, बहुत सोच विचार के वो अपना डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे बिट्टू हमारी खाना खा चुकी है, बिट्टू खाना खाया कि नहीं खाया, झूठ मत बोलना। और यहाँ पे बिट्टू भी खाना खा चुकी है, विराटू भी खाना खा चुके हैं, बस मैंने ही नहीं खाया अभी, क्योंकि अंदर से मन नहीं हो रहा अभी खाना खाने का, फिलहाल देखते हैं जब मन होगा तो खाना खाएंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाना खाने का तो मन हो नहीं रहा था, तो यहाँ पे कपड़े धो के रखे थे तो सब तय करने के लिए पड़े हुए थे। तो मैंने कहा लाओ, जब तक मतलब मन भी नहीं हो रहा है और अभी जो ऑर्डर है आने वाला वो भी नहीं आया, तो मैंने कहा जब तक फ्री है तो कपड़े तय कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स मैं बैठ के रिसीव हूँ अभी इसलिए नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन 3 दिन पहले मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं, यही रीज़न था जो कि मैं नहीं लेना चाह रही थी। तो आप इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, बट अभी लेना पड़ा क्योंकि जब आ गया है तो लेना तो पड़ेगा ही। इस वजह से बेल हुई फाइट और में लगेगा, पता चला फाइट कि टेबल है ना बेल ये। ऑर्डर किया था तो आ गया है। और ये इस तरह से आप देख सकती हो वो साइड टेबल थी और ये बेड है। तो इसको भैया लोग जो पेंटिंग वाले भैया है वो और जो भैया लेकर के आए हैं इस तरह से ऊपर लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे ये बेड सेट करने वाले भैया आए हैं। तो ये वीडियो मैं तीसरे दिन शूट कर रही हूँ क्योंकि ये तीसरे दिन आए हैं, बीच में पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी नहीं आ पा रहे थे। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ बेड सेट हो चुका है और वो जो भैया है ना तो 3 दिन के बाद आए थे बेड सेट करने के लिए। तो परी भी बढ़िया से बेड पे बैठ के चला रही है मोबाइल। तो इस तरह से देखिए साइड टेबल्स भी हैं इसमें। और पहले कोशिश की थी कि ज्वाइंट वाला बनवाएं कि मतलब टेबल बेड से ज्वाइंट हो, लेकिन फिर भैया ने बताया कि उसमें ज्यादा मजबूती नहीं आती है, तो इस वजह से फिर मैंने अलग वाली ही बनवाई दोनों साइड की। अच्छा विराट भी आ गए। तो ये देखिए इस तरह से मैं सोचा ला आपको दिखा तो देते हैं, बाकी हम आपको बाद में दिखाएंगे बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज खोल के। और इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं अभी फिलहाल पुराने वाले ही मैट्रेस हैं, और अभी इसके नए लेने के लिए जाना है पर टाइम नहीं मिल पाया इसलिए नहीं गए हैं, और बिना देखे नहीं लेना चाह रहे थे इसलिए नहीं लिया है। वरना भैया तो बोल रहे थे ना कि ऐसे ही व्हाट्सअप करते हैं बता दो कौन सा लेना है, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो बस यही था छोटा सा व्लॉग जो आपके साथ शेयर करना था, दिखाना था आपको कि मैंने क्या चीज़ परचेस किया है, क्योंकि आप मेरी एक प्यारी सी फैमिली का हिस्सा हो तो अपनी फैमिली के साथ हर एक चीज़ शेयर करनी होती है। तो बस मैंने वही किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे से कॉमेंट कीजिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, कुछ नहीं करना है। बाय।